मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवद्वज मंगलम मंगल। लगता है मेरी बेटी की किस्मत ही खराब है। अरे आप चिंता मत करो, विवाह की तिथि आगे हटवा लेते हैं, थोड़े इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। समधी साहब, दिल के मरीज की जिंदगी का क्या भरोसा। तुम चिंता मत करो समधी साहब, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। लेकिन जल्दी करो, विवाह का मुहूर्त कहीं निकल ना जाए। चंद्रगुप्त, तुम तो महान हो, आज्ञाकारी भी हो, क्या तुम अपने मित्र की इतनी भी मदद नहीं करोगे? हमारी और धर्म सेठ की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में, हमारी इज्जत रख लो बेटा। मुझे मजबूर मत करो सेठ जी, वैसे तो आप मेरे पिता समान हैं। यदि आप कहें तो मैं अपने मित्र की खातिर अपनी जान तक दे सकता हूँ, लेकिन। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, क्या तुम पर मेरा इतना अधिकार भी नहीं है? अरे मेरी इज्जत रख लो बेटा। आप मेरे पिता समान हैं, मुझे अब और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। अच्छा आप कहते हैं तो मैं विवाह कर लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो बेटा, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। पहली शर्त, अभी तो मैं धर्म सेठ की लड़की मालती से शादी कर लेता हूँ, लेकिन आगे रास्ते में तुम इसे समझा बुझाकर अपने घर ले जाओगे। दूसरी शर्त यह है कि इसे जो शादी में सच्चे मोतियों का जोड़ा मिला है वो मुझे देना होगा। बोलो मंजूर है? अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी किसी से कुछ मत कहो, आओ मेरे साथ। धर्म सेठ जी, मेरा छोटा बेटा चंद्रगुप्त धर्म मालती से शादी करने को तैयार है। बेटी मालती, क्या तुम चंद्रगुप्त से विवाह करने के लिए सहमत हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आपकी आज्ञा को मैं कैसे नकार सकती हूँ? ठीक है तो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ब्रह्मा मुरारी शिवरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओंकारं बिंदु सक्तम नित्यं दयन्ति योगिदं कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वदा आनंद कराए देवी नारायणी नमोस्तुते। मालती मालती, जिस लड़के से तुम्हारा विवाह हो रहा है उस लड़के को इस विवाह के लिए मजबूर किया गया है। वो रास्ते में तुम्हें धोखा देके भाग जाएगा और फिर तुम्हें इसी के साथ रहना होगा जिसको अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है। अभी बात करती हूँ पिताजी से। पिताजी पिताजी, हमारे साथ धोखा होने वाला है, चंद्रगुप्त हमें छोड़कर चला जाएगा और फिर हमें रास्ते से इन लोगों के साथ जाना होगा। क्या? हाँ पिताजी। सेठ सच सच बताओ, ये क्या तुम्हारा बेटा नहीं है? मैं बताता हूँ सेठ जी, दरअसल मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। मैं तो यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया था कि इसी वक्त इन्होंने मुझे अपने यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रोक लिया और अब जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बड़ों की कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। आपका मुजरिम आपके सामने है, आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी सेठ जी। वाह क्या बात है, वाकई कितने खुश नसीब होंगे वो माँ बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक आदर्शवादी संतान हो, बड़ों का आदर करना तुम जानते हो, इसीलिए तुमने मालती से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। सेठ जी, इसमें मेरा भी एक छोटा सा लालच था। दरअसल मुझे अपनी भाभी के लिए सच्चे मोतियों के जुड़े की तलाश थी जो मुझे यहाँ पूरी होती दिखाई दी और मैंने हाँ कर दी। सच्चे मोती? बेटे ऐसे सच्चे इंसान के लिए तो मेरी ओर से सिर्फ एक सच्चे मोती का जूड़ा नहीं बल्कि कई हजार जूड़े कुर्बान हैं। किस्मत वाली हो बेटी तुम जो तुम्हें इतना अच्छा वर मिला है। अरे कमीनो, तुम अभी भी यहीं खड़े हो, चले जाओ यहाँ से।
और राम नमस्ते सखियों को, राम नमस्ते सखियों को कर एक बार का हर बार चली, एक बार का हर बार चली, धर्म सेठ की धर्म मालती कर तोड़ा सिंगार चली, राम नमस्ते सखियों को कर, राम नमस्ते सखियों को कर एक बार का हर बार चली, एक बार का हर बार चली, धर्म सेठ की धर्म मालती कर तोड़ा सिंगार चली। चांदनी रात जने हो, चटक चांदनी रात जने हो, सूरज पे असवार चली, सूरज पे असवार चली, धर्म सेठ की धर्म मालती कर तोड़ा सिंगार चली। माथे ऊपर बिंदी लाली अलग शिकायत करे थी, मरे आंखों में चाई घलरी जो दिन की रात करे थी, जन बिखरे फूल चमेली के जब हंस के बात करे थी, सखियों के संग मिलती जुलती, लेती देती प्यार चली, लेती देती प्यार चली, धर्म सेठ की धर्म मालती कर तोड़ा सिंगार चली। और इस मौके पे ब्रह्मचारी बिछोड़ मदान भगे थे, बड़े बड़े तपधारी थे जो, बड़े बड़े तपधारी थे, उन्हें देखे प्राण उधार चली, देखे प्राण उधार चली, धर्म से तिथि धर्म मालती कर तोड़ा सिंगार चली। आफत संग में वे सुमार करे थी, भाई लड्डन सिंह के भजनों का निर्भय प्रचार करे थी,
साथन के मेहमान सात सखी बेहद प्यार करें थी। सारे ढपकी बात राजबल, सारे ढपकी बात राजबल, हो तेरे अख्तियार चली, हो तेरे अख्तियार चली, धर्म से टिकी धर्म मालती, कर तोड़ा सिंगार चली। राम नमस्ते सखियों को कर, राम नमस्ते सखियों को कर, एक बार का हर बार चली, एक बार का हर बार चली, धर्म सेठ की धर्म मालती, पर थोड़ा सिंगार चली। आप आज कुछ उदास उदास से लग रहे हो, क्यों ना खामोशी खत्म करके कुछ बोलते चलो ना, वरना इतने लंबे सफर में मैं अकेली से पड़ जाऊंगी। प्राण प्यारी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उदासी क्यों है, ये खामोशी क्यों है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां मैं खुद गिरवी रखा हूं, ऊपर से तुमसे विवाह करने की भूल, पता नहीं मैं कैसे उनका सामना करूंगा जिन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला है। क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी बिना आज्ञा के किसी लड़की से विवाह कर लिया है, जिन्होंने मुझे इतने शौक से पाला है, क्या सोचेंगे वो? बिल्कुल ठीक कृष्ण कन्हैया की तरह, क्या बीतेगी उस यशोदा जैसी भाभी माँ पर, क्या बीतेगी उस नंद जैसे बाबूजी पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो खुद कर्ज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया हूं, तो तुम्हें क्यों उस गुलामी के कुएं में धकेल दूं? मैं नहीं चाहता जिस भूल के फूल को मैं तोड़ कर लाया हूं उसकी जगह गले के हार में न होकर किसी के कदमों में हो। मुझे नहीं मालूम जितना सम्मान मुझे मिला है वो तुम्हें भी मिल पाएगा या नहीं। Thank you.
रे दोस्त मेरा दूं किसी को उलाना चुंदड़ी पे लिख ताय पसाना दोस्त मेरा दूं किसी को उलाना चुंदड़ी पे लिख ताय पसाना ओ हकीकत खोल के सारी कर्मों का लपेट हुआ दिल्ली शहर अंदर नमी तारा चंद सेठ हुआ नेम धर्म शुभ कर्म करण में सबसे ही श्रेष्ठ हुआ माया के भंडारे भरे लाखों के बिके थे माल यज्ञ हवन पुर दान करण की सेठ ने करी थी टार शुभ कर्मों से सेठ गिर गया वक्त की बदल गई चाल अरे रे हाले हुया बे हाले पिता का हाक हुया सब माले पिता का हाले हुया बे हाले पिता का हाक हुया सब माले पिता का ओ रे एक ही लगी नाराती बिके सब महल यता प्यारी सहारा मिला भूखती भयानक तन में ना कोई यारा प्यारा मिला मांग के भी देखा शेर सुन ना युधारा मिला तेरी चुंदड़ी पे लिख के जाऊं अपने दुखी बात गोरी हृदय अंदर सीने आवे कांपता है गात गोरी मात पिता न रोते रोते काफी होगी रात गोरी अरे चाहत गोरी नाथी तन की याद कहानी बालक पानी की चाहत नहीं थी गोरी तन की याद कहानी बालक पाने की ओ रे जो गुजरे हालात याद कर दुख हो
घबराया करते अपनी अंदर मनसा सेठ अपना यार बताया करते कर कर के तारीफ सेठ की फुले नहीं समाया करते मदद कर दे थारी खोल के बताना उसे अपने दुखी बात सारी आपत्ति में देखी जावे यारी और रिश्तेदारी अरे भारी दुख में काया साथ ले लिया मैं निर्भागी बारी दुख में कायागी साथ ले लिया मैं निर्भागी ओ कुछ कर माता से बात फेरे करी आप ता चलिया था पिता मन के मुट्ठी लगन लड़ी मैं ओवता चलिया था पिता कंधे पे बैठा के मन रोवता चलिया था पिता बालकपन में दुख दर्दों से भरा था पिता ने मुझे ममता के अधीन हापुड़ करा था पिता ने मुझे 200 रुपए में गिरवी वही धरा था पिता ने मुझे अरे सरा था पिता ने मुझे ना छुटाया आज तलक ना वापस आया सरा था पिता ने ना मुझको छुटाया आज तलक ना वापस आया ओ मर गए पिता सचे माते गाते बात आसमां तो होगी संगल दीपिया के एक गलती अपने हाथ होगी सेठ जी की आज्ञा बिना शादी तेरे साथ होगी और मनाया बतेरा पापी मानता न मन मेरा लड्डन सिंह भी दुखी होके पाड़ के चला है डेरा कहीं चली जाइए जहां राम जी ले जावे तेरा सरा था पिता ने मुझे ना छुटाया आज तलक ना वापस आया ओ नहीं चिंता मेरे खारी
मुझे माफ करना प्राण प्यारी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। प्राण प्यारी, मैं बाकी की दास्ता तुम्हारी चुनरी पर लिख कर जा रहा हूँ। जब आँख खुले तो पढ़ लेना, तुम्हारा बदनसीब पति चंद्रगुप्त। के मैं सोती बिछोड़ दुखियारी, फिर के था काम आवाज का, के था काम आवाज का, दिया लंगर खोल जहाज का, के था काम आवाज का, दिया लंगर खोल जहाज का। टापू के मैं सोती बिछोड़ दुखियारी, था काम आवाज का। आगे जहाज चला जावे के पाछे देख लखा के, चंद्रगुप्त जहाज के अंदर गिर गया था चकरा के, बंद दिखनी होगी आंखों से प्राणों प्यारी दी छोड़ दुखियारी, फिर के था काम आवाज का। टापू के मैं सोती दी छोड़ दुखियारी, फिर के था काम आवाज का। ये कपड़े नए नए ढंग के मेरे जीने दुख दे रहे हैं, ये बर्तन और संदूक पलंग किस काम के मेरे हैं, फिर पानी के मैं बगा दई दुख मान दात सारी दी छोड़ दुखियारी, फिर के था काम का। टापू के मैं सोती दी छोड़ दुखियारी, फिर के था काम आवाज का। जिंदगी भर ना भूलू मां जिला की चोट मरम की, नहीं मिटाए दुखियारी, फिर के था काम आवाज का। टापू के मैं सोती दी छोड़ दुखियारी, फिर के था काम आवाज का। लड्डन सिंह राजबल ऐसी घटना घट गई साथ मेरे, पाल जीवन जग में
दुखियारी फिर के था काम आवाज का टापू के मैं तो दी छोड़ दुखियारी फिर के था काम आवाज का के था काम आवाज का दिया लंगर खोल जहाज का के था काम आवाज का दिया लंगर खोल जहाज का। नहीं नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगी प्रिया, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें अवश्य खोज लूंगी, लेकिन मैं इस हाल में अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुँच पाऊंगी? नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। अरे आँख खुले पे रहे बदन में सांस ना, जल ही जल चमके था साजन पास ना, हार साजन पास ना, आँख खुले पे रहे बदन में सांस ना, जल ही जल चमके था साजन पास ना, हार साजन पास ना। पास में पावे थी चारों तरफ आपके पानी देख देख घबरावे थी, पर जाग रही सपने में कुछ बात समझ ना आवे थी, परमालती टापू में पागल की तरह लिखावे थी, रे ठाडा दुखी पला रे ठाडा दुख दिले पे होता बर्दाश्त ना, जल ही जल समय के था साजन पास ना, हार साजन पास ना। बचने का काम नहीं दिखता, अरे जी उलझन में उलझ गया कोई रस्ताया में नहीं दिखता, एडी ठाठा देखे थी कोई शहर और गांव में नहीं दिखता, रे हुआ अंधेरा आंखों में प्रकाश ना, जल ही जल चमक के था साजन पास ना, हार साजन पास ना। आवाज समंदर में मानस कोई दिखता ना उड़े किलोर बाज समंदर में, और दर में मालती सोचे थी है कोई राज समंदर में, पति छोड़ के चला गया या डूबा जाज समंदर में, अरे किसी तरह मेरे रे किसी तरह भी जी
विश्वास ना। जल ही जल चमे के था साजन पास ना, हार साजन पास ना। रहती महली अटारी में लटन सिंह दिल टूट गया ना, हिम्मत रही बिचारी में। अरे गावे है सोना थालसा जीत सिंह लहदारी में, गया सुखी राजबल तो इस गावन की बीमारी में। अरे हड्डी हड्डी रह गई रे, हड्डी हड्डी रह गई तन पे मास ना। जल ही जल चम चंद्रगुप्त आ गए तुम, ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ भाभी। मैं भी ठीक हूँ। ये लो अपने सच्चे मोती का जूड़ा। कहाँ मिला पहले ये बताओ। नहीं नहीं ये नहीं पूछो, बहुत अच्छा होगा। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ वरना तुम्हें मेरी कसम। मजबूर मत करो भाभी। अरे भाभी मन की सारी, मेरी भाभी मन की सारी, तू बात बुझे मत ना, तू बात बुझे मत ना। अरे भाभी मन की सारी, मेरी भाभी मन की सारी, तू बात बुझे मत ना, तू बात बुझे मत ना। के बात तेरी मेरी भर के छाती आई, सदा हर चाही होती है होती ना, मन की चाही घल चाही घल चाही, क्यों आंखों में घल चाही, क्यों आंखों में रच हाथ बुझे मत ना, रच हाथ बुझे मत ना। हरी भाभी मन की सारी, मेरी भाभी मन की सारी, तू बात बुझे मत ना, तू बात बुझे मत ना। आया छोड़ के टापू के माँ, ऐसा बन गया मैं अपराधी। ब्याह शादी वाली भाभी, ब्याह शादी वाली भाभी, वो रात बुझे मत ना, वो रात बुझे मत ना। मेरी भाभी मन की सारी, मेरी भाभी मन की सारी, तू बात बुझे मत ना, तू बात बुझे मत ना। हद से ज्यादा होंगे उस सेठ की छोरी के,
में लचके लागे जड़े उस बात की पोरी के गोरी के गोरी के मान भाभी गोरी के मान भाभी हालात बुझे मतना हालात बुझे मतना मेरी भाभी मन की सारी मेरी भाभी मन की सारी तू बात बुझे मतना तू बात बुझे मतना उसके संग में करती देखी ना जग में होती कहे लड्डन सिंह राजबल टापू में छोटी सोती ले मोतियों का जोड़ा ले मोतियों का जोड़ा दई दात बुझे मतना दई दात बुझे मतना मेरी भाभी मन की सारी मेरी भाभी मन की सारी तू बात बुझे मतना तू बात बुझे मतना ये तुमने अच्छा नहीं किया चंद्रगुप्त उससे विवाह करने के बाद तुम्हें लेकर आना चाहिए था लेकिन भाभी जान मैं उसे यहाँ लेकर आता तो बाबूजी चंद्र अगर तुम उसे लेकर आते तो मैं सब देख लेती लेकिन उसे बीच मझधार में छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया क्या बताऊं भाभी बस बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे ये तुमने अच्छा नहीं किया चंद्र अरे समझ ना सकी देवरे कहानी तेरी कैसे उल्टी आगी बुद्धि सियाणी तेरी मैं सियाणी तेरी मैं और टापू में छोड़ आया दोरानी तेरी मैं दोरानी तेरी मैं फिक्र समझ ना सकी देवर कहानी तेरी मैं कहानी तेरी तड़पावेगी
तोहे से न पावेगी। अरे अंखों में ना जाती देखना, पानी तेरी मैं, पानी तेरी मैं। और टापू में छोड़ आया, टापू में छोड़ आया, दौरानी तेरी मैं, दौरानी तेरी मैं। अरे समझ ना सकी देवर कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी उसके बारे में। अरे खाटी कर गया पूतन लानी चाहिए दिलारे में, नूना लाया डर गर गिरवी में धरा हुआ थारे में। देवर लाभ हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। और टापू में छोड़ आया दौरानी तेरी मैं, दौरानी तेरी मैं। तेरे समझ ना सकी देवर कहानी तेरी, करती को ना काम मेरी। अरे लतन सिंह माने तो मनसा पूरी करो तमाम मेरी, नया कर दे पार राजबल गुड़गावे का धाम मेरी। अरे हाथ जोड़ पूजा करती, हाथ जोड़ पूजा करती, मसानी तेरी मैं, मसानी तेरी मैं। और टापू में छोड़ आया दौरानी तेरी मैं, दौरानी तेरी मैं। अरे मोहब्बत की झूठी कहानी पिरोए, कहानी पिरोए, बड़ी चोट खाई की झूठी कहानी पिरोए, कहानी पिरोए। ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। मेरा नाम ताराचंद है महाराज। मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, दिल्ली में ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक आपका नाम है। महाराज मैं अपने मन में बस एक यही आखिरी आशा लेकर आया हूँ कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझे बचा लो महाराज, मुझे बचा लो। सब कुछ लूटने के बाद ही आए हो भक्त। जी महाराज, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, कारोबार, जमीन जायदाद, हवेली, यहाँ तक कि मेरा बेटा तक भी गिरवी रखा गया, जिसे बरसों बीत गए लेकिन मैं आज तक भी उसे छुड़ा नहीं पाया क्योंकि मैं 200 रुपए तक नहीं जुटा पाया हूँ। क्या तुम्हारा नाम सेठ
ताराचंद है? जी महाराज, जी आपने बिल्कुल ठीक बताया। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, और बताओ मेरे विषय में। क्या तुम्हारे बेटे का नाम चंद्रगुप्त है? जी जी महाराज, अब तो मुझे और भी ज्यादा उम्मीद हो गई है, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ठीक है भक्त, आंखें बंद कर लो। हाँ अब आंखें खोल लो। ये लो इस पोटली को ले जाओ, और याद रखना इसे रास्ते में नहीं खोलना। जी महाराज, मैं इसे भूल कर भी रास्ते में नहीं खोलूंगा। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। सेठानी, सेठानी कहाँ हो तुम? क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपके चेहरे पे इतनी खुशी देख रही हूँ मैं। हाँ सेठानी, भगवान ने आज हमारी सुन ली है। क्या? आज मुझे एक अंतर्यामी साधु मिले हैं, और उन्होंने ये पोटली दी है और कहा है कि इसे घर जाकर ही देखना। हाँ देखते हैं। हाँ हाँ चलो देखते हैं दोनों क्या है इस पोटली के अंदर। और एक बात बताऊं, उसने हमारे विषय में सब कुछ अपने आप ही बता दिया। मेरा नाम, हमारे बेटे चंद्रगुप्त का नाम भी अपने आप ही बता दिया। क्या चंद्रगुप्त के विषय में भी बता दिया? हाँ हाँ। पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा। बरसों बीत गए, मैं भी उस महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने हमारे विषय में सब कुछ बता दिया। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा जब तक महाराज के दर्शन नहीं कर लूंगी। वो ही उद्धार करेंगे अब तो हमारा। चलो 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 चलते चलो, हैं। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलो। महाराज महाराज, आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। ये आप क्या कर रही है माताजी? आप मेरे चरण छूकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। चरण तो मुझे आपके छूने चाहिए। क्यों क्यों महाराज, ऐसा क्यों? अरे मात कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। मात कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। पायों में मत ना पड़िए री, पायों में मत ना पड़िए मैं, बहू हूँ तुम्हारी। मात कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। तापू मैं दिया था तेरे बेटे ने धोखा, सोती ने छोड़ी डिगर गया ना उसका हरों का टोका। और मुश्किल मिला ये मौका, मुश्किल मिला ये मौका, तेरे सुत ने कर दी न्यारी। मात कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। अरे सोती उठी तो भी दर्शन की मोहताज में, दिल्ली के माई बैठी दूसरे जहाज में। अरे राजी हुई आज मैं, जो राजी हुई
भी शहर है और नाम धर्म मालती। अरे जानता है कौन जग में दूसरे के हाल की। अरे बात नाम लाल की बुरी समेती तुम्हारी। माती कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। पायो में मत ना पड़िए मैं बहु हूं तुम्हारी। माती कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। ठाणी राजी छाती तल्या के अर बहू को बैठाया जय किरण नवा और धुआ के। सतपाल सभा में गा के जा रंग प्यारी प्यारी। माती कहूं या सास मेरे प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। पायो में मत ना पड़िए मैं बहु हूं तुम्हारी। माती कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। बेटी तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। तुम्हारी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में है। बेटी तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। चलो बेटी घर चलो।